याद करो जब आपने ब्रह्म संबंध लियो, हाथ में तुलसी दल रखे और गुरु ने आपको कहा बुलायो, प्रभु करोड़ों वर्ष भय आपसे बिखुटे पड़े हम, आपसे बिछड़वे के बाद आपके प्रति जो तापारती होनी चाहिए वो भी हमारे अंदर नहीं है, ऐसो में जीव कोई नो वियोग थाय तो पछी ताप थाय के नहीं हृदय में, परिवार ना सदस्य नो वियोग थाय तो हृदय में ताप थाय छे, परंतु प्रभु आप थी विखुटा पड़े हमने करोड़ों वर्ष थे गया तो यार हृदय में ताप नहीं थतो, आपना मिलन माटे नी आरती नहीं थती, कारण के प्रभु आप थी विखुटो पड़ी ने हूँ अविद्या में फसाई गयो, आखू ये संस्कृत नो ये मंत्र छे, हूँ गुजराती एनु भावार्थ आपने बतावी रह्यो छु, शुकाम प्रभु ताप नहीं कारण के आप थी विखुटो पड़ी ने अविद्या में हूँ घेराई गयो, अविद्या एटले शू के अज्ञान, अविद्या ये अज्ञान है, क्यों अज्ञान, आ मारू घर, आ मारो परिवार, आ मारू शरीर, आ मारू, आ मारू, आ मारू, मैं मेरा हूं अने मारू, आ बधु अज्ञान, सच्चे अर्थ में देखने जाओ तो दुख का कारण वियोग नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है, समझा किसी को वियोग हो गया किसी व्यक्ति का, आज हमारे परिवार के कोई सदस्य होते हैं समझो चले गए, दुख हुआ, अब ये दुख का कारण आप देखो वियोग नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है, मेरा मेरा मेरा, कैसे अज्ञान है, आप देखिए किसी का वियोग आपको हुआ, अब वो दुख का आपको अनुभव हो रहा है लेकिन वो कितने दिन, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना, फिर वापस दुख धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्यों दुख कम हो रहा है, वियोग तो तब भी है फिर भी दुख कम हो गया, व्यक्ति नो वियोग के वस्तु नो वियोग, घना एम विचारे कि आप वस्तु ना लीधे, आप वस्तु ना अभाव ना लीधे मने दुख छे, आप व्यक्ति ना अभाव ना लीधे मने दुख छे, परंतु जारे कोई नो वियोग थाय छे तो ए दुख थोड़ा समय ज रहे छे, पछी 15 दिवस महीना 2 महीना मां तो पाछा जेम हता एम दुख ओछू थई गयु, केम, वियोग तो त्यारे पण छे तो दुख नो अनुभव ओछो थई गयो, एनो मतलब वियोग दुख नो कारण नथी, अज्ञान दुख नो कारण छे के आ मारू छे, आ मारो छे, आ मारू छे, ये अज्ञान दुख का कारण है, तो प्रभु आपसे बिछड़ के अज्ञान ने हमको अविद्या ने घेर लिया, ये मेरा मेरा मेरा, वास्तव में मेरा कुछ है ही नहीं, न कुछ हम लेकर आए न हम लेकर जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है और पहला जो कपड़ा भी उसको पहनाने में आता है उसमें जेब नहीं होती और जब गया उसमें भी पॉकेट नहीं है, है ना, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके गए, जो कुछ मिला यही से मिला, ये गीता में यही तो है उपदेश, जो कुछ मिला हमको यही से मिला और जो मिला है उसका वियोग भी होना ही है, जो मिला है वो जाना भी है लेकिन जो मिल गया उसका मोह, जो चला गया उसका शोक और जो नहीं मिला अभी तक उसका भय उसकी चिंता, थशे के नहीं आटलू में इन्वेस्ट तो करी ना क्यों पढ़ावे मने मर्शे के नहीं, आनु आनी चिंता आनु भय, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने यही तो 3 बातें बताई, शोक मोह और भय, जो चला गया उसका शोक, पीला आम तू बहु आम तू हवे आम तू वयु गयु शोक, गतम न सोचे हमें जो गया सो गया और मिल गया उसका मोह, हम भूल जाते हैं कि जो मिला है वो एक आज नहीं तो कल छूटेगा, या तो तुम उसको छोड़ के जाओगे या वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, वस्तु हो या व्यक्ति हो, बेमाती एक घटना तो घटवानी छे, हा के ना बोलो, हाँ, या तो तमे ने मुकी ने वया जशो या ए तमने मुकी ने वयो जशे, व्यक्ति होए कि वस्तु होए, कहीं वस्तु परमानेंट नथी, अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धनयो अस्थिरम पुत्र दाराश्च धर्म एको ही निश्चल है, इस संसार में सभी वस्तु अस्थिर हैं,
कोई वस्तु स्थिर नहीं है, केवल धर्म एको ही निश्चल है। अस्थिरम जीवितम लोक, ये जीवन अस्थिर है, आज है कल नहीं, एक क्षण का भी हमें मालूम नहीं क्या होना है। अस्थिरम धन यौवने, धन अस्थिर है, पुत्र दाराश्च पुत्र पत्नी सब अस्थिर है, लेकिन जो मिला उसमें इतना मोह हो जाता है और वो मोह ही दुख का कारण है। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से आप सुख की आशा कल्पना रखते हो, उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से आपको दुख का भी अनुभव होगा। कितना दुख का अनुभव होगा? जितना आपने सुख की कल्पना की। जितलू तमे एनाथी सुखनी कल्पना राखी, ये वस्तु होए के व्यक्ति होए, जितली सुखनी कल्पना राखी एटली ज मात्रामां दुखनो पण अनुभव थशे, कारण के वियोग तो बधानो थवानो छे। क्षणभंगुर आ अज्ञान, तो वियोग तो होना ही है, लेकिन उसी का शोक, मोह और भय, ये अज्ञान ही दुख का कारण है।